चीते की रफ्तार और रॉकेट जैसा थ्रो, विराट कोहली ने रन आउट नहीं शिकार किया। किंग्स के खिलाफ विराट कोहली बैटिंग और फील्डिंग दोनों में छा गए। बैटिंग में विराट कोहली ने 47 गेंद में 92 रनों की तूफानी पारी खेली। इसके बाद जब वह मैदान पर उतरे तो फील्डिंग में भी उन्होंने आग लगा दी। खास तौर से शशांक सिंह को उन्होंने जिस तरह से रन आउट किया उस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। पारी के 14वें ओवर की चौथी गेंद पर सैम करन ने 2 रन लेने का प्रयास किया था। दोनों ने 1 रन तेजी से भागा। इसके बाद शशांक तेजी से दूसरे रन के लिए नॉन स्ट्राइक एंड की तरफ दौड़े, लेकिन विराट कोहली उनसे तेज निकले। बता दें कि विराट कोहली बाउंड्री लाइन के पास खड़े थे जबकि सैम ने हल्के हाथों से शॉट खेला था। विराट बाउंड्री के पास से स्प्रिंट लगाते हुए 30 यार्ड के सर्किल में आए बिना रुके उन्होंने गेंद सीधे विकेट पर मार दिया। शशांक ने पूरी कोशिश की थी कि वह अपने क्रीज में पहुंच जाए, लेकिन कुछ इंच से वह दूर रह गए। इस सीजन में शशांक अपने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे थे, ऐसे में उनका रन आउट होना मैच का टर्निंग पॉइंट भी रहा। आरसीबी के खिलाफ इस मुकाबले में पंजाब किंग्स की टीम 241 रन के जवाब में सिर्फ 181 रन के स्कोर पर ढेर हो गई। इस तरह पंजाब को मैच में 60 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही आईपीएल के 17वें सीजन के प्लेऑफ में पंजाब किंग्स की उम्मीदें खत्म हो गई। वहीं आरसीबी की टीम अभी प्लेऑफ में पहुंचने की रेस में बरकरार है। मैच में पंजाब किंग्स के कप्तान सैम करन ने टॉस जीतने के बाद आरसीबी को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया था। आरसीबी की टीम ने पंजाब के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 241 रन का स्कोर खड़ा किया था और उसके गेंदबाजों इसे सफलतापूर्वक बचा भी लिया। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा है कि आईपीएल में इंपैक्ट खिलाड़ी का नियम प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था और सभी हितधारक चाहेंगे तो इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। इंपैक्ट खिलाड़ी के नियम के कारण इस बार आईपीएल में 8 बार 250 से अधिक का स्कोर बना। खिलाड़ियों, कोचों और विशेषज्ञों ने भी बारंबार कहा है कि गेंदबाजों पर इस नियम का विपरीत असर हो रहा है क्योंकि इससे टीमों को अतिरिक्त बल्लेबाज मिल रहा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि हरफनमौलाओं को इस नियम की वजह से गेंदबाजी के मौके नहीं मिल रहे।